मध्य प्रदेश के सहकारिता समिति के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कर्मचारियों ने सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के बंगले पर धरना प्रदर्शन कर जल्द ही अपनी मांगों के निराकरण करने की बात कही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले शासकीय कर्मचारी अधिकारियों का अपनी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में सोमवार को सहकारिता समिति के कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख चार सूत्रीय मांगों को लेकर मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के बंगले पर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व में समझौते के साथ कर्मचारियों को वेतन मान की बात हुई थी, लेकिन कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है। अभी तो अगड़ाई है, अगर हमारी मांग न भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, भारत माता की। कारवा प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल, मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी चार सूत्री मांगों को लेकर यहाँ आज माननीय मंत्री जी के बंगले के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पहली मांगे हमारी ये है कि पूर्व से ही समझौते के अनुसार आज तक शासन प्रशासन ने हमारे कर्मचारियों को कोई वेतन मान की बात हुई थी, आज तक वेतन मान नहीं दिया है, क्योंकि कई बार हमें आश्वासित किया गया था वेतन मान से वंचित रहे हैं। दूसरी मांग है हमारी कि 60% अभी केडर में जो भर्ती होनी है उनके नियमों में शिथिलता के और एवं संशोधन के लिए समझौते हुए थे, किंतु आज पर्यंत तक संशोधन नहीं किए गए हैं। तीसरी बात यह है कि कोरोना काल में हमारे विक्रेता साथियों द्वारा PDS के माध्यम से खाद्यान्न जो वितरण किया गया था वो आज भी POS मशीन में वो स्टॉक बरकरार है, जिसकी वजह से अधिकारियों द्वारा हमारे विक्रेताओं पर कार्रवाई की जा रही है और समझौते के अनुसार कहा गया था कि POS मशीन से मिलान किया जाकर खाद्यान्न घटाया जाएगा, किंतु आज पर्यंत तक खाद्यान्न भी नहीं घटाया गया है। ऐसी और भी बहुत सारी मांगे हैं, किंतु मुख्य मांगों को लेकर हम आज माननीय मंत्री जी के बंगले के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी मंत्री से मुलाकात हुई? आज तो नहीं हुई, इसके पूर्व में 10 बार हमारी माननीय मंत्री जी से मुलाकात हुई है। माननीय मंत्री द्वारा हमें आश्वासित भी किया गया था, किंतु वादे पूरे आज तक नहीं किए गए। आप अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर हमारी मांगे या हमें आदेश नहीं दिए जाते हैं या आदेश प्रसारित नहीं किए जाते हैं तो रणनीति के साथ हमारा महासंघ आंदोलन जारी रखेगा। अभी मैंने पहले भी कहा कि इनकी दो मांग थी कि सक्षम अधिकारी कौन इनकी भर्ती के लिए, तो सक्षम अधिकारी इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए इनकी डिमांड थी, वो माननीय निर्देश दे रहे हैं। और दूसरा 40% जो सीधी भर्ती हो रही है उसको बाद में की जाए, पहले इनको भर्ती की जाए। विसंगति के लिए जो फूट के साथ बैठक होना वो आगे हो, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक होगी उसमें आज जो प्रमुख मांगे उसके लिए तो बात हो गई है ना, तो वो आज संभव जाएगा। सर इनका कहना है कि ऑर्डर्स पहले भी निकाले गए थे पर जिलों तक नहीं पहुंचे। आपको पूरा पता नहीं, पहले भी बैठकें हो चुकी है। सब्जेक्ट पे पहले चर्चा हुई है, लेकिन वो उसका क्लैरिफिकेशन चाह रहे थे जो आज हो रहा है। ठीक। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।